भट्टी साहब, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आपकी बिला से क्या दुश्मनी? सर, लाल मुझे आज से नहीं बरसों से हराता, और इस मुसलसल हार ने मुझे उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। मैं इस नफरत में अंधा हो गया, सब कुछ भूल गया। अमरीका की स्कॉलरशिप में सिर्फ बिलाल ही हायल था मेरी राह। आपका तो अपना तालीमी रिकॉर्ड बेहतरीन है, लेकिन अफसोस आपने अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर दी, सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से बिलाल को शिकस्त देने की कोशिश की। क्या आपके इल्म में है कि बिलाल ने अमेरिका की स्कॉलरशिप को रद्द कर दिया? नहीं सर, मुझे एनीवेज यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक तो आपको सस्पेंड कर देने थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको इतनी रियायत देता हूं कि आप यस कम इन। आप जा सकते हैं। एक सेकेंड सर, मुझे कुछ कहना है। सर, नजरिया जरूरत ही सब कुछ होता है सर, वही हमसे सब कुछ करवाता है। इस दुनिया में जितनी चीजें अच्छी हैं उतनी बुरी भी हैं, सिर्फ जगह बदल कर देखने की देर होती है सर। नजर और नजरिया दोनों बदल जाते हैं, वो है ना परवाज है दोनों की इसी एक जहां में। करगिस का जहां और है, शाही का जहां और। भट्टी साहब ने पेट से सोचा और मैंने दिमाग से, लेकिन मैंने इन्हें माफ किया है अपने दिल से। लेकिन बिलाल साहब, अगर भट्टी साहब की यही सोच थी तो तब्दील तो नहीं हो सकती। सर, भट्टी एक जहीन इंसान, मेरा ख्याल है कि इस वाक्य ने इसको अंदर से हिला कर रख दिया होगा। सर, अगर भट्टी को एक चांस और दिया जाए तो मुझे यकीन है कि मेरा दोस्त शाहीन बनकर दिखाएगा। सर, मैं क्या कह सकता हूं, जिस फराज दिली का मुजाहरा आपने किया वो बड़े लोग ही कर सकते हैं। सर, एक चांस तो हर किसी को मिलना चाहिए, हर किसी को इसकी जरूरत होती है, एज सेकंड चांस। थैंक यू। You're welcome. Thank you. आयशा, आप लोग जाओ। जी सर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए कि मैं आपके किसी काम आ सकी। सही कह रही है। मैंने एक्चुअली इस वक्त में बहुत कुछ सीखा है, जिंदगी के नशेब फराज, सच झूठ से जुड़ी है ये जिंदगी। ये बात तो साबित हुई है सर कि सच्चा इंसान हमेशा सच बोलता है, मगर कई बार ये भी देखने में आया है कि झूठा इंसान भी सच बोल सकता है। सही कह रहे। एक बात पूछूं? हाँ। क्या आप कभी सोनिया को माफ कर सकेंगे? मैं कौन होता हूँ सोनिया को माफ करने वाला? वो बेचारी जज्बात में बह गई थी, भटक गई थी। ऐसे लोग बेचारे जहालत का शिकार हो जाते हैं, आई गेस। और कुछ नहीं।
वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, सोनिया का बैकग्राउंड वेल ऑफ है, फिर उसने ये सब कुछ क्यों किया? सोनिया की हरकत में और किसी इंसान की खुदकुशी में ज्यादा फर्क नहीं, और खुदकुशी इंसान उस वक्त करता है जब उसके आसपास के लोग उसकी बात सुनने से इनकार करते हैं। तो यानी अगर सोनिया आपसे बात करना चाहे तो व्हाई नॉट आयशा, बट कहीं तुम उसकी सिफारिश तो नहीं कर रही? Once again, thank you. Allah Hafiz. Sir, आप सर? यार तो सर आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं सर। आए बैठे सर। खाक बैठो। सुकून है कहां मेरी जिंदगी में? पट्टी साहब आखिर हुआ क्या है? वही जो होना बाकी था, सोनिया ने बिलाल पर लगाए सारे इल्जाम वापस ले लिए। क्या सर? तुम्हारे क्या से कुछ ठीक होने वाला नहीं। इस वाकये ने मुझसे मेरा गुरूर, वकार, मेरी जात सब छीन लिया है। अब खुद से दूर रहना है। सर सर अब पानी ले। हटा उसको। तुम जैसे लोगों की वजह से अब मुझे और नहीं हारना। लेकिन सर मेरा कसूर क्या है सर? हार गया, इस बार तुम मार ही दिया। सर मैं आपके लिए कुछ लाऊं सर? हटा मेरे रास्ते से। अम्मी 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 अरे अम्मी अम्मी सर बिलाल रीस्टेट हो गए, यानी हमें दोबारा से पढ़ाएंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा। अरे बेचारा बेगुनाह था ना, और तो और देखो उस लड़की ने कैसा इल्जाम लगाया था। तौबा तौबा, ये लड़कियां भी ना कैसी कैसी बातें करती हैं। इसीलिए तो कहते हैं बेटा ये जो है ना कयामत की निशानी है और कुछ भी नहीं। आपको पता है अम्मी, जिस दिन से सर बिलाल नहीं आए थे ऐसा लगता था जैसे पूरी यूनिवर्सिटी सुनी सुनी हो गई, पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था, बस हर तरफ एक उदासी सी छाई हुई थी। एक बात बताओ, ये सर के आने से सिर्फ तुम ही परेशान थी या कि सारे स्टूडेंट का यही हाल था? जी मेरा मतलब है सबको, सब उदास थे सर बिलाल के जाने से। आयशा कहीं ऐसा तो नहीं कि सर बिलाल के जाने से सबसे ज्यादा उदास तुम ही हुई थी और उनके आने पर सबसे ज्यादा खुश भी? अरे नहीं अम्मी, आप भी पत्नी बात का क्या से क्या मतलब निकाल देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत भूख लग रही है, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया। अरे बस 5-10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है मैं बस आई। पप्पो भाई आ गए। बिलाल क्या हुआ? पप्पो अल्लाह ने मुझे सुखरू कर दिया, बेकसूर साबित कर दिया। Bilal, I'm so happy, so relieved. Allah, tera shukar, oh my God. Sara, iski duaon ka natija hai. Nahi, Pappu. Aapne sari duaen ki hai, uska asar hai. Bhai, ab to party. Bilkul banti hai, aur Pappu, is party ke, aur is khushi mein na, tumhari shaadi kar. उस पार्टी में तुम्हारी शादी कर देते हैं। चलो अब हम प्लान बनाते हैं। मेरे पैसे बचेंगे ना। वेलकम बैक सर। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों के साथ ने मुझे सुखरू किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। सर आप पर इल्जाम लगा,
लेकिन हमने आपको परेशान नहीं देखा। देखिए, सच्चा इंसान कभी भी परेशान थोड़ी होता है। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले परिंदे चहचहाना शुरू कर देते हैं। ये ऑब्जर्वेशन आप में से किस किस की हाथ उठाकर बताइए मुझे। अगर परिंदों को ये उम्मीद हो सकती है तो फिर हम इंसानों को क्यों नहीं हो सकती। देखिए खालिद, झूठ जो है वो मायूसी की बाय प्रोडक्ट है और मुसलमान कभी भी मायूस नहीं हो सकते। आई फील प्राउड कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स मिले। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। खुशकिस्मत तो हम हैं जिन्हें आप जैसे टीचर मिले। आप देखिएगा, हम आपको फाइनल्स में भी मायूस नहीं करेंगे। आई होप सो जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा सिलसिला टूटा था। कुछ याद भी है कि सब कुछ भूल गए आप लोग? याद है। हेलो सर, सर प्लीज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। सर प्लीज लिसन टू मी, इनकार मत कीजिएगा, एक एक दफा प्लीज मिल लें। ओके मिलते हैं। बाय बाय। शायद मुझे आपसे मोहब्बत है। बचपन में जब मेरी मामा पे फेवरेट टॉयज जो थे मेरे भाई को दे देती थी, मैं उससे छीन लेती थी और फिर उसको तोड़ देती थी। मुझे लगा कि यहाँ भी ऐसे होता है। मतलब मैं तो सारी जिंदगी यही करती आई हूँ, पर देन आई रियलाइज्ड कि आई वाज रॉन्ग। आयशा ने तो मुझे समझाया था लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। उसने मुझे कहा कि मोहब्बत को मोहब्बत से लिया जाता है, छीना नहीं जाता। बस यही एक वजह है कि आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बाकी मैं कौन होता तुम्हें माफ करने वाला? माफी तो तुम्हें अल्लाह से मांगनी चाहिए। मुझे इंसाफ की उम्मीद थी अपने अल्लाह से, मुझे अल्लाह के हुजूर इंसाफ मिला। तुमने ही मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम वापस ले लिया, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है कि मेरे साथ क्या हो सकता। शायद मुझे पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजारनी पड़े। I know that. और अगर मैं ऐसा ना करती तो सलत के एहसास के साथ लोगों के हजूम में रहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ सर कि आप मुझे दिल से माफ कर दें, प्लीज। मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू सर। मैं आज ही यूनिवर्सिटी छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने डीन साहब से बात कर ली है, तुम कहीं नहीं जा रही। जो हो गया सो हो गया, तुम्हें कॉन्फिडेंटली इस सबको डील करना, फेस करना। फेस ही तो नहीं कर पा रही। मेरे यूनिवर्सिटी मेट्स, जो लोग मुझे आकर बोल नहीं सकते, उनकी आंखों में सवाल है जो मैं फेस नहीं कर पा रही। मजबूर हूं। सुनिए, कहते हैं कि अगर इंसान को अपने किए की सजा इस दुनिया में ही मिल जाए तो ये किसी खुशकिस्मती से कम नहीं। सर एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इन एग्जाम्स में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो। क्लियर?
दिल दिया गल न जाने और दिल दिया गल न जाने यार दे बाजू मेरा। ओहो अच्छा अच्छा ठीक है। आयशा जरा बाहर देखना फिर आया बेटा। जी अम्मी। दिल दिया गल आई। तुम गई थी अपनी नंद के घर? अरे बेटा क्यों परेशान हो? बच्चों के साथ ऐसा चलता रहता है। रंगों में इश्क का नाम दावरद है होंठों पे। मिलोगी नहीं? तुम्हें मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा जी घबरावे। क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? I'm really sorry. अंदर है ना? आए ना सर। न जाने और अब दिल दिया गल न जाने। कौन है? कौन आ रहा है? सर बिलाल की फूफो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हाशिम ने तो मुझे बताया नहीं कि आप लोग आ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था। इट्स ओके आंटी, हमने सोचा हम सरप्राइज दे दें, इसमें आयशा की कोई फर्क नहीं। और आयशा ने तो सर हमें इतनी बड़ी सरप्राइज दी थी कि मैं क्या कहूँ। ये आपके लिए। ये क्या किया आपने? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? बिल्कुल कोई तकल्लुफ नहीं है, बस थोड़ी सी मिठाई है वो। अरे ड्राइंग रूम में चलिए ना, वहाँ चल के बैठते हैं हम। बिल्कुल ठीक है, यहीं बैठेंगे, बड़ा अच्छा मौसम है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अच्छा आप इधर आ जाइए, ये मैं ठीक कर दूँ। थैंक यू। बैठो बेटा। मैं बल्कि हम सब एक्चुअली आयशा का शुक्रिया अदा करने आए हैं, और उससे भी ज़्यादा मैं आपसे मिलना चाहती थी, क्योंकि जिसने आयशा की इतनी अच्छी तरबियत की हो उससे मिलना बहुत ज़रूरी था। हम आपकी बेटी के बहुत एहसान मंद हैं, बहुत बड़ी रुसवाई से बचाया उसने हमें। थैंक यू सो मच आयशा। कभी शादी जरा देखे तो। बबलू। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी फूफो का घर है। अभी आ जाओ बेटा। अम्मी बबलू की शादी 25 और 26 को है ना? हाँ बेटा ठीक कहा तुमने, 25 और 26 उसकी शादी की तारीख है। अरे आप लोग तो जानते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे शादियों का सीजन है ये। आयशा आई डोंट केयर एंड आई डोंट नो ये मिस्टर बबलू बबलू जो भी हो, तुमने मेरी शादी पे जरूर आया आंटी आपने। अच्छा आप लोग बस दो मिनट दे, मैं अभी। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, मैं मजेदार सी चाय पी लूं। और भाई आप क्या लेंगे? सर तो कॉफी पसंद करते हैं, ब्लैक है ना सर? तुम्हें बड़ा पता है। नहीं नहीं ये बात तो पूरी यूनिवर्सिटी को पता है। मैं अभी आई। आपका घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह, इतना हवादार इतना खूबसूरत। बस छोटा सा गरीब था। छोटा सा ना कहिए, बहुत कुछ है आपके घर। यहाँ तो बस अभी इतना नजदीक है, हमें तो जरा दूर से आना पड़ता है। कैसे हो तुम? बिल्कुल ये बताओ शादी की तैयारी कैसे जा रही है? जी ये बबलू। अरे तुम? Oh my God, I can't believe. तुम बबलू हो? मैं बबलू भी हूँ। बबलू भी हूँ का क्या मतलब? मतलब रिजवान हूँ, प्यार से लोग मुझे बबलू कहते हैं। What a small world. मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी हम लोग मिले और हम रिश्तेदार भी बन गए। बड़ा कोइंसिडेंस, बिल्कुल फिल्मी। हाँ
आप सब लोग यहाँ कैसे? भाई हम तो आए थे जुबिया की शादी का इनविटेशन देने, हमें क्या पता था कि तुम्हारी शादी का इनविटेशन यहाँ पहले से ही पहुँचा हुआ होगा। बबलू की? अच्छा, नहीं नहीं, तुम लड़की वालों की तरफ सही हो, समझदार होते जा रहे हो। इधर तो आओ, मुझे आकर मिलो तो सही। पप्पू को मिले भी नहीं, आओ बैठो। बैठो मेरा बच्चा, बैठो। जी बबलू, चाय पियेंगे? नहीं, मैं तो खाना खाऊंगा, फुप्पो के हाथ का खाना वैसे भी मेरा बड़ा फेवरेट है। भाई ये तो बबलू के चोंचे लग रहे हैं मुझे, रिजवान ने तो कभी ऐसी बातें नहीं की। अरे आप जानती हैं ना, अपनी औलाद से ज्यादा अपने भाई की औलाद प्यारी, जान है ये मेरी, मुझसे ज्यादा ये कौन जानता है। अच्छा बताओ क्या खाओगे तुम? आयशा मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? ठीक, बिल्कुल ईस्टर्न डॉल लग रही हो तुम। यार आई डोंट नो व्हाई, मैं बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ। कॉन्शियस मत हो, देखना बबलू तो देखकर दीवाना हो जाएगा तुम्हें। यार नॉट फॉर टुडे, आज तो उसे बबलू मत बुलाओ, इट साउंड सो अनरोमांटिक। तैयार हो गई? जी पप्पो, मैं कैसी लग रही हूँ? Gorgeous, absolutely gorgeous, माशाल्लाह। आप कहती हैं तो मान ली, मेरी बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सां रुक जावे, और अब्बा दिल दिया गल्ला न जाने। ओ साइया रंग दे बिरंगी लम्हों को रंग, इश्का नाम दा विरद है होंठों पे आँखों में। यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सां रुक जावे, और अब्बा दिल दिया गल न जाने, और अब्बा दिल दिया गल न जाने। प्यास भरा पानी मिला, रात जगाई हुई, कच्चे बर्तनों सी आसे टूट गई आधी बातें, इंतजार करते करते बीत गई नीली शामें। ओ ढोला नहीं, रूबी बात बता रही, इस घर की रौनक थी ना, बहुत खामोश और खाली खाली सा लग रहा है।
आंखों को वो अब भी इस घर की रौनक। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, उसने हमारा पीछा कोई नहीं छोड़ा और रोजाना यहाँ पर आई इंशाल्लाह। लेकिन बिना लड़कियां एक दफा ससुराल चली जाए ना, फिर वही उसका घर होता है और ये घर सिर्फ उसका मैका। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भाईजान और भाभी दो फूल मेरी गोद में डालकर चले गए थे। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत रात हो गई है, तुम लोग को सो जाना चाहिए, सुबह तुमने स्कूल जाना है। इतना वक्त गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। वो आप ही हमारा सब कुछ है, हमारी माँ है, हमारा बाप है। And I love you. चलो सुबह तुम्हारी बहन के घर नाश्ता लेकर जाना है, सो जाओ। और आप? मैं भी सो जाऊंगी। क्या हो रहा है? और यार क्या खुशबू है नाश्ते की। बिलाल मियां सच बताऊं भूख चमक उठी है। वैसे अगर इनके ऊपर रहता ना तो इन्होंने तो जो उबला हुआ खाना खिला खिला के पुखा मार देना था। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी सेहत बता रही है, हैं? देख रहे हो ना बिलाल। वैसे जोया बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर लिया आपने। ये कौन सा कोई तकल्लुफ है, आप भी कमाल करती हैं। ये तो ट्रेडिशन है हमारी भाई, क्या शादी के बाद सुबह नाश्ता नहीं आता? और आता भी यही वाले मुरगन, क्योंकि आज के दिन हमने तो अपनी रिवायत पूरी करनी है। क्यों मिला? जी बिल्कुल यार, अपना लस्सी तो ले, आप भी तो लीजिए ना। हां पहले डालें। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ लस्सी ले यार। तुम कैसे हलवाई खाओगे? मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता हूं। हैं? मीठा बहुत पसंद है। और यार छोड़ ब्लैक कॉफी को, तू आज अपना ये लस्सी पी। ना जी, ये तो ब्लैक कॉफी ही पीता है और पूरी यूनिवर्सिटी ये बात जानती है। और रहने दो ब्लैक कॉफी को, आज तो तू लस्सी पी यार, चल बिस्मिल्लाह। हां हां, हमारे यहां के तो लस्सी पियो भाई। समझाने का मामला है, पी लो लस्सी, कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्या प्लान है तुम लोगों का? मैंने तो थाईलैंड जाने के बारे में सोचा और ये इस्तांबुल जाना चाह रही थी। देखो मेरा भाई बिल्कुल सही बात है, तुम लोगों का हनीमून का ट्रिप जो है वो प्लान कर दिया। भाई यार, बिलाल मियां हनीमून पे वो जा रहे हो, खर्चा उसे करने देना यार, क्या कर रहे हो तुम? सही, बेचारे ने सारी जिंदगी खर्च कर, छोटा सा गिफ्ट है भाई का। वेलकम।
थिंक अबाउट इट. खुश हो ना? जी पापा, मैं बहुत खुश हूँ. लेकिन आप मुझे खुश नहीं लग रहे, उदास लग रही. हाँ, रात को सो नहीं सकी, तुम बहुत याद आ रही थी. तुम्हारे बगैर घर में रौनक ही नहीं है, बहुत उदासी थी. वो फिर इस उदासी का कोई हल ढूंढना तो पड़ेगा ना. आप भाई की शादी क्यों नहीं करवा देती? वो तो तैयार बैठे ना शादी करने के लिए. जैसे सुना नहीं था क्या कह रहा था अभी? और वैसे भी कहाँ से ढूंढूंगी लड़की, आसमान से नहीं गिरती लड़कियां. आसमान में क्यों ढूंढ रही है लड़की, जमीन पे ढूंढे ना. क्या क्वालिटीज चाहिए आपको बताएं मुझे? क्या चाहिए होता है? बस एक अच्छी लड़की हो, अच्छे खानदान की, अच्छी तरबियत वाली, जो समझदार हो, रिश्तों को निभाना जानती हो, प्यार से रहे और पढ़ी लिखी हो. वरना प्रोफेसर साहब को पसंद ही नहीं आएगी. तो बस खूबसूरत, खूब सीरत, और क्या चाहिए होता है लड़की में. बाकी चीज़ें किस्मत से आती हैं. वेल, जितनी बातें आपने कही हैं मेरे माइंड में तो लड़की आ गई. कौन? Somebody we both know. Somebody we both know? Yes. कौन? आयशा. आयशा. Think about it. भी बड़े अच्छे लोग हैं. आजकल खानदानी लोग कहाँ मिलते हैं. वैसे वाकई हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो ज़ुबिया जैसी बेटी मिली. वरना इज्जत, शोहरत और तालीम, ये तीनों चीज़ें आजकल एक साथ कहाँ मिलती हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. और आपने देखा भाई बहन में कितनी मोहब्बत है. आखिर पसंद किसकी है. ये तो आपने दुरुस्त कहा, लेकिन आप किसकी पसंद है? बस आप भी ना हर वक्त मजाक करते हैं. अरे भी क्या हो गया. अरे देखें, थोड़ा सा रोमांटिक होने का तो हक हमें भी है. अब आपके ना रोमांटिक होने के दिन गए, अब तो आपके पोता खिलाने के दिन है. सुभान अल्लाह, अब इतना भी बूढ़ा मत करें हमें. भाई देखें, बात यह है कि हम अभी 28 के हैं. यानी कि आप 28 के हैं तो मैं तो 18 की हुई. हाँ बिल्कुल, 18 की और 18 की रहिएगा. बस आप भी ना हर वक्त मजाक करते हैं. जाके उन तीनों मासियों को देखूं, जब तक उनके सर पे खड़ी नहीं होंगी ना तो कोई काम करके नहीं देती. भाई हमसे तो बात कर लिया करें. बिलाल भाई जो करते हैं ठीक नहीं करते. शर्मिंदा करा दिया. क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की? सिर्फ टिकट सी नहीं, स्टे वगैरह सब कुछ कर दिया. हद करते हैं. हद नहीं करते, मुझसे प्यार करते हैं. मेरा भाई लाखों में नहीं करोड़ों में एक है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. तुम जो इतना भाई भाई करती हो, कभी भाई की शादी के बारे में भी सोचा है? शादी वादी करानी कि नहीं? हाँ, मैं तुम्हें एक बात बतानी थी. क्या? आयशा. आयशा? कौन आयशा? आयशा, बिलाल भाई. ओ वाह भाई, अब तो हमारे दो दो रिश्ते हो जाएंगे. कमाल है भाई, मान गया मैं तुम्हें. है ना यार, बस मैं चाहती हूँ उनकी जल्दी से शादी हो जाए. बिलाल भाई मान जाए, उनको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती. उन्हें मनाना कौन सा मुश्किल है, हम दोनों मिलके उनको मना लेंगे. आई लव यू. I love you too, princess.